नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। पिछले कुछ समय से सीकर में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसे देखकर ऐसे लगता है कि सीकर में प्रशासन तो रहा ही नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं रहा कि अगर आम जन को किसी तरह की परेशानी है तो उसे सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो उस शिकायत के जवाब में भी उन्हें कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता, सिर्फ आश्वासन मिलता और उस आश्वासन के भी परिणति कुछ निकलती नहीं है, उसके कोई परिणाम नहीं निकलते, समस्या जस की तस बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों से तो ऐसा लगता है कि अब जब तक चुनाव नहीं हो जाए या चुनाव के वादे पार्षद, सभापति या इस तरह के लोग गिनाने शुरू नहीं हो जाए तब तक जनता की समस्याएं सुनने वाला कोई भी नहीं है। और आप देखिए, आप कुछ समय बाद में बहुत सारे लोग, अभी भी हर वार्ड से ऐसे कई लोगों की बड़ी संख्या में एक फौज तैयार हो रही है जो आने वाले कुछ समय में आपके घर घर पहुंचेंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वो आपसे वादा करेंगे कि आने वाले समय में वो पार्षद बनकर, वो सभापति बनकर आपके शहर के, आपके वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे, पूरे 5 साल विकास के लिए काम करेंगे और उसके बाद आपका वार्ड जो है उसमें सारी समस्याएँ जैसे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अभी जिस वक्त शहर में इतनी सारी समस्याएँ हैं उस वक्त उनमें से एक भी आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होगा जो आपकी परेशानियों में आपके साथ हो या आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ढंग का प्रयास वो करे। लेकिन सामने चुनाव आ रहे हैं तो वो लोग अभी कुछ ही समय में घरों से बाहर निकलेंगे, आपके पास पहुंचेंगे, तब आपको देखना है कि आपको उनको वोट देना है नहीं देना है या क्या सवाल जवाब आपको उनसे करने हैं। अभी मैं हूँ सालासर बस स्टैंड के पास, जो ईदगाह की तरफ सड़क जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे सड़क जो खोदी हुई है उस खोदी हुई सड़क से दिन भर में इतनी मिट्टी उठती है कि यहाँ के दुकानदारों की दुकानदारी तक चौपट हो गई है। क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पे 5 मिनट भी मेरे लिए रहना मुश्किल है वहाँ पे कोई भी ग्राहक आकर सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है जो बाकी शहर में नहीं मिलता, लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं, इसकी वजह से दुकानदारी जो है वो प्रभावित होती है। और इसके अलावा यहाँ पे जिन लोगों की दुकानें हैं उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन भर धूल मिट्टी में आप रहेंगे, बारीक मिट्टी है जो उड़कर आपके नाक में, आपके मुंह में, आपके गले तक, आपके फेफड़ों तक पहुँच रही है, तो आपका बीमार होना बहुत लाजमी है। और ये समस्या 2-4 दिन की नहीं है, पिछले करीब 3 महीनों से इस जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। मेरे साथ यहाँ के आसपास के कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये इस 2-3 महीने के पीरियड में कई बार सभापति, नगर परिषद कमिश्नर, जिला कलेक्टर आदि को ज्ञापन दे चुके हैं और अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वही है जो 3 महीने पहले थी। कोई सुनने वाला नहीं है, सुनकर कोई काम करने वाला नहीं है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप कुमार जगदीश प्रसाद सामरिया है। तो आपकी दुकान यही है? जी, मेरी यहाँ दुकान पास में यही है। तो आप जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं कि वो समस्या क्या है और कितनी गंभीर है। ये समस्या सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। यहाँ पर 3 महीने पहले सड़क निर्माण, सीवरेज निर्माण के चक्कर में यहाँ पर सड़क खोद दी गई थी। हम लोगों ने इसका विरोध जताया था, तब उनके कर्मचारियों ने कहा था कि हम आपकी जो सड़क है यहाँ सीवरेज का कनेक्शन जोड़ने के 10 या 15 दिन में सड़क निर्माण वापस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हम लोगों ने उसके बाद लगभग 7 या 8 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन तक दे चुके हैं और रास्ता जाम कर चुके हैं। अभी ताज़ा घटना में आपको बताऊं तो 20 तारीख को शुक्रवार के दिन हमने सड़क जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन जताया था, तो नगर परिषद के कर्मचारी आए थे, उन्होंने हमसे ज्ञापन दिया और हमें आश्वासन दिया कि 25 तारीख तक या 25 तारीख से पहले पहले हम आपकी सड़क निर्माण कर देंगे। उसके बाद भी आज 26 तारीख हो गई सर, उनकी तरफ से ना कोई कर्मचारी आया, ना कोई अधिकारी आया, यहाँ निरीक्षण करने, चेक करने कोई नहीं आया और ना ही अभी तक कोई किसी प्रकार का सड़क का निर्माण हुआ है। उन लोगों के पास सबसे बड़ा मुख्य बहाना यह है कि बारिश हो रही है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बारिश सीकर की सालासर स्टैंड भी हो रही है? जहाँ बजाज रोड पे आप सीमेंटेड रोड बना रहे हो वहाँ पर बरसात नहीं हो रही है? क्या सीकर के अन्य मोहल्लों में, रोशनगढ़ जहाँ लीलगढ़ मोहल्ले हैं, क्या वहाँ बरसात नहीं हो रही है? क्या सारी बरसात सीकर की सालासर बस स्टैंड पर हो रही है? लोगों को बेवकूफ़ बनाना, बरगलाना बंद करो और काम करने के लिए चुना है काम कर रहा हो। हमें आपसे यही विनती है कि सड़क पर जो जमी हुई मिट्टी है वो मिट्टी साफ हो और जो सड़क निर्माण का कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सड़क निर्माण न होने की वजह से यहाँ उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से अनेक प्रकार के वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, कई बार वाहनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हम व्यापारी लोग, आम नागरिक
और यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे, वृद्धजन, हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमें अपने व्यापार वर्ग पर उठाना पड़ रहा है। जब से इस सड़क निर्माण का कार्य टूटा है और ये अव्यवस्था फैली है, सबसे ज़्यादा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। हम ही व्यापारी लोगों के टैक्स की वजह से तुम लोग ठंडी एसी में बैठ के गर्म रोटियां तोड़ते हो। कान खोल के सुन लो, तुम भी सत्ता मत के अहंकार में शायद चूर बैठे हो। इससे पहले जनता उग्र हो जाए, तुम भी काम करने के ठान लो, या फिर हमें काम निकलवाना भी आता है और काम करवाना भी आता है। धरना प्रदर्शन ये एक लोकतंत्र का पहला पहलू है। लोकतंत्र में, हमारे संविधान में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। उनके द्वारा हम अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो नगर परिषद के सभापति जी हैं, क्या आपकी उनसे मुलाकात थी? उनसे मुलाकात करने के लिए 20 संडे को गए थे हम, रविवार को, तो वो घर पर नहीं मिले। घर पर उनका लड़का मिला था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमें ज्ञापन दे दो। हम दिन में, अभी सड़क निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि बरसात की संभावना है, सिर्फ संभावना ही हो रही है सर। शिखर में इतनी बरसात नहीं हुई है। आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ है सिक्योरिटी भास्कर के पहले पन्ने पर, आप उठाकर देख सकते हो कि पिछले 8 सालों में सितंबर का महीना सबसे ज़्यादा सूखा गया है, पिछले 8 सालों में। और वो लोग कह रहे हैं कि बरसात हो रही है, उनके घर पे हो रही है बरसात, या फिर शिखर की साला सर्विस स्टैंड इस रोड पे ही हो रही है। क्या बजाज रोड पे बरसात नहीं हो रही सर? उन्होंने हमें बजाज रोड पे भी निर्माण हुआ है, अभी बजरंग कांटा के पास भी सड़क बनी है, उन्होंने जो क्षतिग्रस्त सड़क है वो बनाई है वहाँ पे। जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उनके लड़के ने, कि आपसे अगर हम सड़क नहीं बनवाते हैं तो दिन में 2 बार पानी का छिड़काव करवा देंगे। वो भी सिर्फ उन्होंने बरगलाया था, झूठ बोला था। आज तक कभी यहाँ सड़क पर 1 बार पानी की बूंद तक नहीं डलवाई उन लोगों ने। हम लोगों को बेवकूफ़ बना के हम लोगों ने उन पर विश्वास किया। ठीक है, ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, नेता के बेटे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने कहा है, तो हमने उन पर विश्वास किया कि शायद जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम उनकी बात मान के आगे, आज तक यहाँ सड़क पर कभी किसी प्रकार का ना निर्माण कार्य हुआ, ना किसी पानी का छिड़काव हुआ। आपने विधायक महोदय से या सांसद महोदय से, उनसे आपने बात करी कभी? जी सर, वो हमने नहीं की। हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ सुनवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम अगला कदम विधायक और सांसद से मिलकर उनको ज्ञापन देके हमारी समस्या का अवगत करवाएंगे। मेरे ख्याल से आप विधायक महोदय से, उनसे सांसद महोदय से बात करें तो शायद हो सकता है। जी सर, हम विधायक महोदय और सांसद महोदय के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं, बार बार नगर परिषद और नगर परिषद के प्रशासन और उनके कर्मचारी और सभापति हमें इस बात से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम अगले दो तीन दिन में आपके सड़क निर्माण का कार्य कर देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अगर 1-2 दिन में हो जाता है तो उनके पास ज्ञापन देने से क्या मतलब। वो भी इनको फ़ोन करेंगे और ये फ़ोन पर कहेंगे कि सर 1-2 दिन में कर देंगे, और वही जवाब हमें विधायक MLA MPC के मिलेगा कि 1-2 दिन में आपकी सड़क निर्माण का कार्य हो जाएगा। हम इन्हीं पर विश्वास करके इनके आधार पर बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं सर, यहाँ इस धूल भरे गुब्बार और की वजह से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो सकी, जिनमें हमारे कुछ पड़ोसी हैं अशोक जी शर्मा, मूलचंद जी शर्मा, उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, दमा और अस्थमा का बीमारी हो चुकी है उनको। और हम सब यहाँ पर अपने नकाब रख के रखना पड़ता है या फिर रुमाल बांध के रखनी पड़ती है। हम सब यहाँ बुरी तरीके से परेशान हो रखे हैं, जिनमें स्वास्थ्य समस्याओं में आँखों में जलन, नजला, जुखाम, बुखार तक हो रहा है सर। इन्हीं गर्द की वजह से, डस्ट की वजह से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही है। बिल्कुल सही है, तो ये तो बिल्कुल इनका कहना सही है, क्योंकि अभी कितनी देर हमें आई हुई है कि 5-10 मिनट में ही स्थिति खराब हो जाती है, गले में मिट्टी चली जाती है। तो ये लोग तो यहाँ 3 महीने से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम यहाँ 1-2 जनों से और बात करते हैं, जिनके लिए कहा गया है कि उनको थोड़ी तकलीफ भी हो गई है स्वास्थ्य संबंधी, तो उनसे भी हम बात करते हैं। मेरे इसे गर्दाचार है, इसे मेरे साथ लेवा में दिक्कत रहे, और मैं दवाई ले रही हूँ, पंप भी चारू हूँ मैं, और गोली दवाई भी रोजिना डॉक्टर ने दिखाऊँ को फर्क उन पटरी में तो अभी समझ आई इसी हुई है, अब आ रही हुई बालाजी। भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, माल में जल्दी खराब होता है, हर 10 मिनट बाद मुझे जगाना पड़ता है, और आधे घंटे बाद मुझे बाहर निकालनी पड़ती है, और किराए पहले से नजदीक खाना पड़ता है, किराए 7 रुपये की दुकान किराए की दुकान मेरी ऐसी बात है, बहुत परेशान हूँ भाई साहब, बहुत परेशान। तो जो भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बहुत थोड़ी सी दूर में सड़क निर्माण करना है, डामर यहाँ पे गिरवानी है, शहर के अन्य हिस्सों में भी आप करवा रहे हैं, यहाँ करवाने में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि अगले 1-2 दिन में अविलंब आप यहाँ पे डामर गिरवा कर सड़क निर्माण करवा दें, ताकि बहुत सारे दुकानदार जिनका कई तरीके से आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य संबंधित जो नुकसान हो रहा है उससे ये लोग बच सकें, यहाँ पे दुकानदारी फिर से चल सके। अभी तक तो श्राद्ध पक्ष चल रहा था, लेकिन अब सामने नवरात्रि आ रहे हैं, ब्याह शादियों का भी सीज़न आ रहा है, तो अगर इस वक्त ये दुकानदारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? थोड़ी सी समस्या हो सकता है आपको किसी
बजट की वजह से या किसी और वजह से अगर आपको परेशानी हो रही है तो उसे आप अपने स्तर पर समाप्त करें और इनका काम आप अविलंब करवाएं। कुछ समय में यहाँ के जैसे हमने बात करी तो इनके पार्षद का भी कोई बहुत अहम योगदान नहीं, प्रभाव नहीं है या कोई इस तरह का उनका आकर उन्होंने यहाँ पे नहीं संभाला है कि वो इनकी तरफ से अपनी बात नगर परिषद में रखें, सभापति तक रखें और इनका काम करवाएं। जबकि सामने पार्षदों के चुनाव आने वाले हैं, इस वार्ड से, वार्ड नंबर 15 है ये, इस वार्ड से और भी बहुत सारे लोग पार्षद बनने के जो अभी सपने देख रहे होंगे वो लोग भी आएंगे सामने, वो लोग भी वोट मांगेंगे। तो आप जब वोट मांगे तो उससे पहले भी आप इनकी समस्या के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो इनकी समस्या से इनको छुटकारा मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे सड़क निर्माण करवाएं और इनको इन परेशानी से आप निजात दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।